हेलो, माय सेल्फ राजेंद्र शर्मा। आज हम त्रिज्या अनुपात 0.732 या उससे अधिक के लिए समन्वय संख्या देखेंगे। तो जब त्रिज्या अनुपात 0.732 या उससे अधिक होता है तो समन्वय संख्या 8 होगी, यानी जो धनायन है उसके चारों तरफ 8 ऋणायन जो 8 ऋणायन हैं वो धनायन को घेरे हुए होते हैं, यानी धनायन के चारों तरफ 8 ऋणायन होते हैं क्यूबिक शेप में, यानी घनीय संरचना में। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो एक क्यूब नुमा संरचना बनती है, जिसमें कि क्यूब के ठीक सेंटर पर धनायन स्थित है और धनायन के नीचे वाला जो प्लेन है उसमें 4 ऋणायन है और ऊपर वाले प्लेन में 4 ऋणायन है। तो टोटल 8 ऋणायन घेरे हुए हैं धनायन को। अब धनायन जो है वो क्यूब के ठीक सेंटर बिंदु O पर स्थित है और इसमें ये जो हमने ये जो डायग्राम बनाया है इसमें जो प्लेन ABCD है उसमें जो इसको हम फेस कहेंगे क्यूबिक फेस, इस फेस पर एक विकर्ण हमने बनाया है जिसके ठीक बीचों बीच बिंदु O से हमने एक लंब डाला है क्यूब के सेंटर पॉइंट O पर। तो OE हमने एक रेखा बनाई है और जो OE की लंबाई है वो अब चूंकि बिंदु O स्थित है क्यूब के सेंटर में तो भुजा का आधा या हाफ जो है वो OE की लंबाई होगी, यानी OE बराबर भुजा हमने CC' ये क्यूबिक की भुजा है क्यूब की, तो CC' इसका आधा क्या होगा, इसका जो आधा होगा वो अपॉन OE के बराबर होगा। तो यानी OE बराबर CC' अपॉन 2 और भुजा पर ये जो क्यूब में जो कॉर्नर पर स्थित जो ऋणायन है ये इस तरह से व्यवस्थित हैं कि एक ऋणायन दूसरे ऋणायन को की सीमाओं को एक दूसरे के साथ टच किए हुए हैं, यानी उनकी बाउंड्रीज जो हैं वो एक दूसरे को स्पर्श कर रही हैं, यानी भुजा की जो लंबाई है वो ऋणायन की जो ऋणायन का जो व्यास है उसके बराबर होगा, या फिर हम कह सकते हैं उसकी ऋणायन की त्रिज्या का डबल होगा। ठीक है, तो OE बराबर 2 × ऋणायन की त्रिज्या अपॉन 2, तो OE बराबर 2 से 2 कट जाएगा तो ऋणायन की त्रिज्या, तो OE की लंबाई ऋणायन की त्रिज्या के बराबर होगी। अब हम जो इस क्यूब है ये जो क्यूब है उस क्यूब में त्रिभुज BCD को देखते हैं, BC और D। इसमें जो BC और DC है ये भुजा की लंबाई है, यानी एक दूसरे के समान है और भुजा है और इनकी जो लंबाई है वो ऋणायन की त्रिज्या का डबल है, जबकि हमें DB या BD की लंबाई हम यदि देखें तो पाइथागोरस प्रमेय में लगा सकते हैं, तो BD का स्क्वायर बराबर CD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और CD और BC दोनों एक दूसरे के बराबर है और ऋणायन की त्रिज्या का डबल है, तो 2 × ऋणायन की त्रिज्या का स्क्वायर प्लस 2 × ऋणायन की त्रिज्या का स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 × 4 = 8, तो BD का स्क्वायर बराबर 8 × ऋणायन की त्रिज्या का स्क्वायर। इसका वर्गमूल करेंगे तो BD बराबर 8 का वर्गमूल कैसे करेंगे, 4 का वर्गमूल 2 होता है और 2 का वर्गमूल √2 होता है, तो BD बराबर 2 √2 × ऋणायन की त्रिज्या। अब जो DE है, DE ये इसकी लंबाई DB की लंबाई की आधी होगी, हाफ होगी, क्योंकि जो BD है इसके ठीक बीच में या सेंटर पॉइंट पर
इस रेखा के बीच में बिंदु ई स्थित है, तो ये आधी होगी, यानी डी ई बराबर बी डी का मान रखेंगे 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू ऋणायन की त्रिज्या अपॉन 2, क्योंकि आधी है तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो डी ई बराबर अंडर रूट 2 इंटू ऋणायन की त्रिज्या। अब हम त्रिभुज ओ ई डी, त्रिभुज ओ ई डी को हम देखें तो क्या है इसमें ओ ई, ओ ई क्या है ऋणायन की त्रिज्या की जो लंबाई है वो ओ ई की लंबाई के बराबर होगी, क्योंकि ये भुजा का आधा है, और जो डी ई है, डी ई ये हमने कैलकुलेट कर लिया है जो कि अंडर रूट 2 इंटू ऋणायन की त्रिज्या है, और हमें ओ डी, ओ डी अब जो ओ है वो क्यूब के ठीक सेंटर पर स्थित है, और धनायन स्थित है यहाँ पे बिंदु ओ पर, तो और धनायन और ऋणायन एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, यानी ओ डी की जो लंबाई होगी वो धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या के योग के बराबर होगी। यानी अब हम इस त्रिभुज में, त्रिभुज ओ डी ई में पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो ओ डी का स्क्वायर बराबर ओ ई का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर, तो ओ डी का स्क्वायर क्या है धनायन की त्रिज्या प्लस ऋणायन की त्रिज्या का स्क्वायर बराबर ऋणायन ओ ई यानी ऋणायन की त्रिज्या का स्क्वायर प्लस डी ई, हमने डी ई निकाल लिया है तो अंडर रूट 2 इंटू ऋणायन की त्रिज्या का स्क्वायर, तो धनायन की त्रिज्या प्लस ऋणायन की त्रिज्या का स्क्वायर बराबर ऋणायन की त्रिज्या का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ऋणायन की त्रिज्या का स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, तो 2 और 1 3 हो गया, तो धनायन की त्रिज्या का प्लस ऋणायन की त्रिज्या का स्क्वायर बराबर 3 इंटू ऋणायन की त्रिज्या का स्क्वायर। तो अब इसका यदि वर्गमूल करें तो धनायन की त्रिज्या प्लस ऋणायन की त्रिज्या बराबर अंडर रूट 3 इंटू ऋणायन की त्रिज्या, और r माइनस को हम लेफ्ट से राइट की तरफ लाएंगे तो ये अंडर रूट 3 माइनस 1 हो जाएगा, तो धनायन की त्रिज्या बराबर अंडर रूट 3 माइनस 1 ब्रैकेट में और इंटू आर माइनस यानी ऋणायन की त्रिज्या। अब अंडर रूट 3 का मान 1.732 होता है, और इसमें एक कम करेंगे तो 0.732 आएगा, तो धनायन की त्रिज्या अपॉन ऋणायन की त्रिज्या बराबर हो जाएगा 0.732। यानी यदि किसी आयनिक ठोस में त्रिज्या अनुपात 0.732 या उससे अधिक है तो उस कंडीशन में उसमें जो समन्वय संख्या होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, वो 8 के बराबर होगा, यानी धनायन जो है वो 8 ऋणायनों से घिरा हुआ होगा ऐसे आयनिक सॉलिड में।